नहीं जना आप स्पोर्ट वैक्टर मशीन्स को हम आप अप्लाई करते हैं यूजिंग पाइथन और पाइथन के अंदर पूरी एक नोटबुक बनाएंगे एक डेटा सेट पर स्पोर्ट वैक्टर मशीन्स की एग्जांपल्स देखेंगे एंड हाउ वी कैन अप्लाई सेम वही एनालॉजी है और एक स्निपेट के अंदर आपको मैं बताने वाला हूँ कि स्पोर्ट वैक्टर मशीन्स को आप कैसे डील कर सकते हैं मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ ये स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी सबसे पहली चीज़ साइकेट लर्न की जो वेबसाइट है वहाँ पर आप जाए और यहाँ पे एस वी एम लिखें एस वी एम लिखने से आपके सामने स्पोर्ट वैक्टर मशीन जो है वो ओपन हो जाएगा इट विल टेक अ मिनट और जैसे आपके पास ओपन होगा ओपन इट और आपको पूरे का पूरा बना बनाया नोट्स जो हैं वो यहीं पे मिल जाएंगे स्पोर्ट वैक्टर मशीन के जैसे मैंने यहां पे देखा है इट्स देयर स्पोर्ट वैक्टर मशीन एंड आप इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेंगे और ये इस तरीके से स्पोर्ट वैक्टर मशीन जो है आपके सामने आ जाएंगी ठीक है और अगर आपने पूरे के पूरी एक डिटेल गाइड पढ़नी है तो हेर यू गो तो स्पोर्ट वैक्टर मशीन कैसे होती है हाई डिमेंशनल स्पेस में हम इस पर काम करते हैं ठीक है और जारी बात है जब टू डिमेंशन स्पेस में हमारा काम एक लाइन कर देती है लेकिन हायर डिमेंशन स्पेस नानी कि थ्री डी स्पेस के अंदर एस वी एम ज़्यादा यूज़ होते हैं खासतौर पर इमेज क्लासिफिकेशन के लिए ये इसकी टाइप है मैंने यही एग्जाम्पल यहीं से उठाई थी और यहाँ पे इसका कोड दिया हो कि आप इस तरीके से स्पोर्ट वेक्टर क्लासिफायर को बुला सकते हैं एंड हाउ कैन यू यूज दैट वन आपके पास ये चार लाइनों के अंदर आप सपोर्ट वैक्टर क्लासीफायर को यूज कर सकते हैं ऑन दी अदर साइड मल्टी क्लास क्लासीफिकेशन करनी है देन यू कैन ऑल्सो डू दैट यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ शेप फंक्शन और यहाँ पे आप फर्दर डिफरेंट किस्म की uh, जो इसके चीज़ें हैं मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन वगैरह और डिसीजन फंक्शन वगैरह वो सारे के सारे यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपनी स्क्रीन आपके सामने यहाँ पे लेके आता हूँ और यहाँ पे हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन के जो कोड था जिसपे कल काम किया था यहाँ पे मैं बारह ंडरस्कोर एस वीएम डॉट आई पी वाई एन बी यानी कि इसको मैं सपोर्ट वेक्टर मशीन ही लिख लेता हूं सपोर्ट वेक्टर मशीन्स डॉट आई पी वाई एन बी यहां पर इसकी एग्जाम्पल जो है हम अब देखते हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन हमें किस तरीके से हेल्प आउट करती है मैं यहां पर लिखता हूँ जनाब सपोर्ट वेक्टर वेक्टर मशीन्स एंड यहां से अपना को पायलट भी एक्टिवेट करते हैं बिकॉज राइट सपोर्ट वेटर मशीन एस बी एम एज और आपको पता है कि ये स्ट्रेटेजी जो है ये मैंने पहले भी आपको बताई है कि ये एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है बेसिकली मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है खासतौर पे सुपरवाइज्ड मैंने आपको पहले बताए थे लीनियर uh, कर्नल है आपके पास पोलिनोम एंड रेडियल बेसिस फंक्शन है तो इन तीनों को हम यहाँ पे देख लेते हैं नाउ वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द डेटा सेट यहाँ पे इम्पोर्ट लाइब्रेरीज करते हैं पहले सो so, जो जो लाइब्रेरी हमने इम्पोर्ट करने में यहाँ पे लिखता जाता हूँ इम्पोर्ट पांडास एज पी डी इम्पोर्ट नम्पाई एस एंड पी मैट प्लॉट लिप एंड देन सी बॉन्ड ये चार की चार तो मैं करता ही हूँ फिर हम मशीन लर्निंग वाली करते हैं एम एल लाइब्रेरी उसके लिए हम पहला काम करेंगे जनाब फ्रॉम एस के लर्न डॉट अब हमने स्पोर्ट वैक्टर मशीन्स को लेके आना है तो स्पोर्ट वैक्टर मशीन्स के लिए जैसे मैंने आपको बताया अगर आपके पास इस तरीके से कोई कोड हो तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ से हम ले आ सकते हैं ठीक है यहाँ से चेक करें फ्रॉम एस के लर्न डॉट इम्पोर्ट एस तो मैं यहाँ पे डॉट एस लिखूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा इम्पोर्ट हमने क्या करना है सपोर्ट वैक्टर रिग्रेसर या सपोर्ट वैक्टर क्लासीफायर तो मैं दोनों को ही इम्पोर्ट कर रहा हूँ आप लीनियर एस को सेपरेट भी कर सकते हैं एस को भी कर सकते हैं और एन यू एस वी सी देर आर मैनी अदर एस वी सी एज वेल जो लीनियर कर्नल्स वगैरह होते हैं तो मैं यहाँ पे सिंपली एस वी सी क्लासीफायर है एस वी आर जो है आपका रिग्रेसर है इन दोनों को इम्पोर्ट कर लेता हूँ अब हम करते हैं मॉडल सिलेक्शन के लिए ट्रेन टेस्ट सेपलेट और इसके बाद जो अगला काम है हमारा एक्यूरेसी स्कोर मीन स्क्ड एरर दोनों और जितने भी मैट्रिक्स हैं हमारे मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया आर स्कर्ड स्कोर हो गया एंड कन्फ्यूजन मैट्रिक्स वगैरह बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिग्रेशन पहले कर लेते हैं और सॉरी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं ताकि हमारे पास सिर्फ क्लासिफिकेशन के ही मैट्रिक्स आएँ तो ये दो क्लासिफिकेशन के मैट्रिक्स इनफ हैं बिकॉज़ ये दोनों आपको अच्छा खासा रिज़ल्ट दे देंगे एंड देन वी कैन ऑल्सो स के लर्न डॉट प्री प्रोसेसिंग हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं लेबल इनकोडर एंड आई रन दिस बाय यूजिंग माय कर्नल जो मैंने पहले यहां से सेलेक्ट कर लिए अब ये यह यहाँ पे हो गया जनाब हम करते हैं इंपोर्ट द डेटा डेटा इंपोर्ट करते वक्त आपको पता है मैं यहाँ पे कोई भी डेटा एक कर सकता हूँ अब जो जिस पे हम काम करेंगे वो है आयरस का डेटा सेट ठीक है और एस एन एस डॉट लोड डेटा सेट और इसके अंदर हम आयरस रख देते हैं आयरस का डेटा क्या है अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं तो इट्स इट इट लुक्स लाइक दिस आपके सामने ये डेटा सेट जो है ये बेसिकली uh, एक फूलों का डेटा ठीक है और तीन किस्म की स्पीसीज हैं फूलों की सतोसा वर्जीनिका वर्सिकुलर और आप उसके ऊपर ये चार uh, न्यूमेरिक डेटा की बेस पे इसको क्लासिफाई करेंगे यानी कि ये आपके सारे एक्स हैं और ये आपके पास स्पीसीज जो हैं ये वाई है ठीक है सो so, हमने चार नोमैरिक डेटा को लेना है और स्पीसीज प्रिडिक्ट करनी है दैट इज आवर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम लेट्स मेक एक्स एंड वाई इन आवर डेटा सिंपली हम क्या करेंगे स्पीशीज को ड्रॉप कर देंगे एक्स में और वाई में स्पीशीज को ही सिर्फ ले लेंगे तो ये मैंने एक्स वाई कर लिया ट्रेन टेस्ट से प्लेट द डेटा अब बल्कि मैं ऐसे करता हूँ टेस्ट सप्लेट द डेटा यहाँ पे ट्रेन टेस्ट सप्लिट करते हैं एक्स ट्रेन वाई ट्रेन और यहाँ पे थर्टी सेवेंटी भी कर सकते हैं मैं ट्वेंटी एटी एटी ट्वेंटी के रूल को ज़्यादा फॉलो करता हूँ तो मैंने एक्स ट्रेन वाई ट्रेन कर लिया यहाँ पे एंड देन वी कैन एक्चुअली डू कॉल द मॉडल कॉल द मॉडल और यहाँ पे हम मॉडल शॉप को कॉल करते हैं एस वी सी को और इसको बाकायदा मैं सिर्फ मॉडल ही लिखता हूँ मॉडल डॉट एस वी सी मॉडल टू एस वी सी और यहीं पे ट्रेन कर देते हैं ट्रेन द मॉडल तो यहां पे मॉडल डॉट फिट लगा के एक्स ट्रेन वाई ट्रेन हो गया ठीक है और यहीं पे मैं प्रिडिक्ट करने लगा प्रिडिक्ट मॉडल तो यहां पे हम प्रिडिक्शन यानी कि भी आप कर सकते हैं मैं इसको y अंडर स्कोर प्रिडिक्ट भी कर लेता हूं तो ये मेरे लिए ज्यादा बेहतर होता है क्योंकि मैं एक ही स्नैरियो को मूव करता हूं तो मैंने कॉल द मॉडल ट्रेन द मॉडल प्रिडिक्ट मॉडल एक ही कोड के अंदर रन कर दिया एंड इट्स रनिंग फाइन सो आई डोंट नीड टू वरी अबाउट एनी थिंग क्योंकि यहां पर टिक आ गया दैट्स इनफ अब मैं क्या करते हैं इवेल्यूएट द मॉडल इवेल्यूएट द मॉडल और इवेल्यूएशन के लिए आपको पता है कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आप ले आएंगे आप क्लासीफिकेशन uh, रिपोर्ट ले आएंगे दिज टू आर इनफ कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमारे पास ये आ गया ये क्लासीफिकेशन रिपोर्ट है प्रोसीजन वन वर्सिकुलर की भी वन वर्जीनिका की काम में, है ठीक है तो यहाँ पे रिकॉल हमारे पास इस तरीके से आ गया एफ वन स्कोर आ गया स्पोर्ट फैक्टर स्पोर्ट जो है यहाँ पे हमारे पास आ गई कि जिनाब इतनी हमने क्लासेस को सपोर्ट किया इतने को नहीं किया इतने को नहीं किया ठीक है बट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को अब हम ड्रॉ करते हैं ड्रॉ द कन्फ्यूजन मैट्रिक्स यूजिंग हीट मैप इन प्लॉटली मैं प्लॉटली में ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ उसकी रीज़न ये है बल्कि प्लॉटली में बाद में करते हैं मैं पहले यहाँ पे आपको दिखा दूँ देन वी कैन डू दैट एंड पी एल टी डॉट शो की बजाय पी एल टी डॉट लेबल नाम। तो ये इस तरीके से आपके पास है, है? 0, 1, 2, आपके पास एक प्लॉट आ जाएगा, कि क्या क्लासेस के नाम अगर आप गौर करें तो अगर आप यहां पर जाए ना स्पीसीज के अंदर तो स्पीसीज हैं ये सतोसा वर्जीका विर्जीनिक, और वर्सिकुलर यानी कि अगर मैं डी एफ डॉट डी के अंदर स्पीशीज़ आपको दिखाऊं डॉट वैल्यू काउंट्स करके तो ये कुछ इस तरीके से है पचास 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 तीन किस्म की हमारे पास वैल्यूज हैं वर्सी वर्सिकुलर और वर्जेनिका ठीक है पचास 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 की है अब हम देखते हैं कि जो हमने ट्रेन टेस्ट सप्लेट किया था उसके बाद हमारे पास क्या सीन बना है जहां पे जीरो कॉलम था यानी कि जीरो स्पीसीज थी ठीक है वो कोई भी हो सकती है नेम्स नाउ वहां पर जीरो प्रडिक्ट की गई कि नहीं की गई सो दिस इज हाउ यू कैन हैव अ लुक कि जीरो जहां पे थी वहां पे जीरो प्रडिक्ट की गई तो वो दस नंबर थे ठीक है जी तो जहां पे जीरो थी वहां पे वन आया कोई नहीं आया जहां पे जीरो थी वहां पे टू आया कोई नहीं आया सो so यहां पे भी इतने काम हो गया और वहां पे भी इतना ही हो गया अब यहाँ पे जो मसला बन रहा है अगर आप गौर करें कि जिन स्पीशीज का नेम दो होना चाहिए था यानी कि जिसका नेम दो होना चाहिए था और यहाँ पे प्रडिक्टेड भी दो है तो उसका जनाब आ गया एट यानी कि एट ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं जहां पे करेक्टली दो को प्रेडिक्ट किया गया लेकिन एक ऐसा डेटा पॉइंट है जो वन था लेकिन उसे टू कहा गया तो यहां पे आपकी एरर आ गई तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमें यही बताता है कि ये तो ओरिजिनली वन था ठीक है इसकी वैल्यू यहां पर होनी चाहिए यह वन उठ के यहां पर क्या कर रहे राइट तो यही हमें चीज़ बताती है कि जहाँ पे ट्रूली वन था वहाँ पे टू आ गया इसका मतलब है कि ये एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर प्रॉब्लम है अब हम देखते हैं कि हमारे दूसरे स्कोर्स क्या कहते हैं यहाँ पे अगर गौर की जाए क्लासिफिकेशन रिपोर्ट हमें प्रिसीजन रिकॉल एफ स्कोर एंड स्पोर्ट का पॉइंट बताती है तो जितनी सतोसा थी उसको प्रिसाइजली हमारे मॉडल ने प्रडिक्ट किया जितनी वर्सिकुलर की टाइप थी यानी कि सेकेंड क्लास ऑफ प्लांट स्पीशी फ्लावर स्पेशी उसको हमने यहाँ पे देखा वो सारी की सारी ठीक है प्रिसाइजली उसको भी हमने देखा फिर जो वर्जीनिका थी उसका पॉइंट एट नाइन स्कोर है प्रिसाइजली उसको प्रिडिक्ट कर पाए वर्जीनिका को लेट्स फिर यहाँ पे रीकॉल स्कोर आ गया पॉइंट नाइन टू रिकॉल स्कोर है जनाब वर्सिकुलर का इसका मतलब है कि जो ओरिजिनली पॉजिटिव थी उनको इसने प्रडिक्ट किया कि नहीं किया और किया तो कितना प्रडिक्ट किया वी विल सी दैट और यहाँ पर अगर आप देखें तो वन आपका एफ वन स्कोर है सेतोसा का जो वर्सिकुलर है उसका पॉइंट नाइन सिक्स है और वर्जीनिका का पॉइंट नाइन फोर है ये क्यों स्कोर होता है ये इन दोनों की रेशो होती है प्रोसीजन और रिकॉल स्कोर की एफ वन स्कोर तो अगर आपके पास एफ वन स्कोर आ जाए तो ये आपको बता देता है कि कितना एकूरेटली किसी चीज़ को आपने प्रिडिक्ट किया है अगर एकूरेसी की बात की जाए तो मैक्रो एवरेज एंड वेटेड एवरेज की बेस पर आपकी एक्यूरेसी जो आई है वो नाइन्टी सेवन परसेंट के करीब है ठीक है यानी कि नाइन्टी सेवन परसेंट के करीब आपकी जो एक है वो यहाँ पर आई है जो मेन एवरेज एक्यूरेसी आप कह सकते हैं यूज ऑन द मे वेटिड वे एवरेज और मैक्रो एवरेज होती है यह क्या हमें बताती है कि आपका टोटल एक्यूरेसी स्कोर जो है पॉइंट नाइन सेवन है विच इज नाइन्टी सेवन परसेंट एकुरेट है थ्री परसेंट एक्कोरेट नहीं है वो कहां पर गलती है वो हमें भी पता है वो यहां पर गलती है कि एक जिसका लेवल था उसको इसने दो कह दिया तो ये जो गलती है ये थ्री परसेंट गलती हमारे पास आ गई तो इस तरीके से आप चीजों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और क्लासिफाई कर सकते हैं एंड दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली हैव अ लुक कि आपका डेटा सही तरीके से क्लासीफाई हुआ है कि नहीं हुआ अब अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही आपने यहाँ पर मॉडल को कॉल किया था ना आप इस मॉडल के हाइपर पैरामीटर्स भी असाइन कर सकते हैं जैसे मैं एस के पास आया मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करके यहाँ पे देखता हूँ तो ये क्लास है स्पोर्ट वेक्टर क्लासिफायर की ठीक है कर्नल जो है आप कोई भी यहाँ पे लिख सकते हैं आर बी एफ पोली सिगमोइड प्री कम्प्यूटेड कुछ भी लिख सकते हैं आर बी एफ ओरिजिनली वैसे होता है ठीक so, अगर यहां पर कर्नल इज इक्वल टू आरबीएफ लिखू यहां पर लिखता हूं कर्नल इज इक्वल टू और ब्रैकेट के अंदर RBF लिखूं, तो ये वो वाला कर्नल है जो हमने चूज किया है है इन तीन क्लासेस को सेपरेट करने के लिए ठीक और आप इसके बाद इसको रन करके चेक कर सकते हैं कि आपका मॉडल सही काम कर रहा है कि नहीं ऑन अदर साइड कर्नल ही नहीं यहां पे अगर आप पोलिनोम चूज करते हैं तो यहां पे डिग्री भी आप मेंशन कर सकते हैं आप अपना गेमा भी मेंशन कर सकते हैं विच इज शोइंग यू समथिंग लाइक uh, like, के आपकी जो डायरेक्शन है उसकी वो किस साइड पे जा रही होगी फिर कॉफिशेंट भी श्रिंकिंग भी प्रोबेबिलिटी भी, एंड देर आर मैनी अदर मैटर्स हि जो आप ऐड कर सकते हैं एंड देन यू कैन हैव अ लुक कि आपका डिसीजन फंक्शन कौन सा है एंड देर आर मेनी अदर मतलब एक एल्गोरिथम के ऊपर अगर आप जाएं तो ये इतना कुछ पैरामीटर्स का यहां पे गिवन होता है यू कैन रीड आउट और उनको आप चेंज कर सकते हैं और ये जो आप यहां पे चेंज कर रहे हैं ना कि वेक्टर क्लासिफायर को डिफॉल्ट नहीं यूज कर रहे आप अपनी मर्जी से यहां पे डिफरेंट किस्म के फंक्शंस को यूज करके उसको इस्तेमाल करें दिस इज कॉल्ड हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग जो हम आने वाले दिनों में भी यूज करेंगे बट ऑन दी अदर साइड अगर आप यहां पर कुछ नहीं लिखते तो डिफॉल्ट सेटिंग पर पूरा का पूरा मॉडल चलता है अगर आप कुछ लिखेंगे तो ये आपकी अपनी मर्जी है एंड इट विल वर्क ऑन बेस्ड ऑन your uh, जो आपने यहाँ पे एडिशन की होगी अब मैं सभी को रन करता हूँ दोबारा से एंड at दी एंड हमारे पास अगर चेक करें तो मैंने दोबारा से रन किया अब मेरे पास यहाँ पे कोई गलती नहीं है और अगर आप गौर करें मैंने रेडियल बेसिस फंक्शन को जब यूज़ किया है तो मेरे पास जनाब वन हंड्रेड परसेंट एकूरेसी आ गई और सारी चीज़ें वैसे कि वैसी हमारे पास एकट हो गई जो ये गलती थी वो भी जाती रही इतनी सी एडिशन करने में मैं इसको दोबारा रन करता हूँ फिर मेरे पास गलतियाँ आ गई फिर रन करता हूँ फिर गलतियां आ गई फिर रन करता हूं फिर गलतियां आ रही हैं ये क्यों हो रहा है अब यहां पे जो पॉइंट आपने नोट करना है वो ये है कि जब आप ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते हैं ना डेटा को तो ये कहीं से भी अस्सी और बीस की रेशो निकाल लेता है कहीं से भी ऊपर वाली अस्सी रख लेता है नीचे वाली बीस छोड़ देगा बीच में से अस्सी रख लेगा फिर छोड़ देगा तो आप इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं उसके लिए आप क्या करते हैं यहां पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के साथ आप कोमा लगा के कोई भी रेंडम स्टेट लगा दें रेंडम स्टेट का मतलब मैं यहाँ पे 42 अगर लिखता हूँ ठीक है 42 लिखा अब आप गौर कीजिएगा मैं सारे कोड्स को दोबारा रन करूँगा यहां से और यहां पे मेरे पास कोई गलती नहीं आई यानी कि 11, 9 और 10 सारी वैसे ही हैं ये सारे के सारे ब्लैक हैं यानी कि जीरो मैं दोबारा रन करता हूँ फिर कोई गलती नहीं है फिर कोई गलती नहीं है फिर कोई गलती नहीं है अब क्या हुआ है मैंने यहां पर बता दिया कि रेंडम स्टेट फोर्टी है इसका मतलब है कि जो एक दफा आपने रेंडमाइज वे में डेटा को स्प्लिट कर दिया वही रहने देना वरना वरना नहीं आपने छेड़ना नहीं है उसको ठीक है अब मैं इसको दोबारा से कट करता हूँ अब मैं दोबारा से रन करूंगा आप देखिएगा अब मैंने रेंडम स्टेट खत्म कर दी है ना अब आप देखिएगा यहां पर आपकी चीजें चेंज हो रही हैं यानी कि आपका ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के अंदर चेंज आ रहा है जिस वजह से आपके पास एरर्स भी आ रही हैं ऑब्वियसली ठीक है और यही वजह है कि हम जब भी ट्रेन टेस्ट सप्लेट करते हैं वी ऑलवेज वॉन्टिड टू हैव अ कंसिस्टेंट रिजल्ट जिसकी वजह से हम यहाँ पे लिखते हैं रेंडम स्टेट वो कोई भी आप लिख दें मैं यहाँ पे अगर ज़ीरो भी लिखूंगा ना तो ये भी एक रेंडम स्टेट है जो मैंने असाइन कर दिया है कि जीरो की बेस पे आप कर लो मैं इसको दोबारा से री करता हूँ जितने भी यहाँ पे रहेंगे ग्यारह तेरह और छः ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे ठीक है लेकिन दिस रेंडम स्टेट ज़ीरो इज इफ चेंज टू फोर्टी अब देखिएगा ये मेरे पास दस नौ और ग्यारह होंगे ठीक है अब ये दस नौ ग्यारह ही रहेंगे क्यों क्योंकि रैंडम स्टेट होगी यह चेंज इसका मतलब है कि आप कोई भी एक नंबर चूज कर लें वो नंबर रिप्रेजेंट करता है कि कौन कौन सी रोज़ और कौन कौन से कॉलम किस रेंडमाइजेशन की बेस पे उठाने हैं जब वो एक दफ़ा उठा लेगा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के अंदर जो हमने ए टी ट्वेंटी का रूल बना के मैंने आपको चंक दिखाया था वो फिर उसी को रिटेन करेगा इस वजह से अक्सर अकात लोगों की मॉडल की एकोरेसी खराब भी हो जाती है क्योंकि वो बार बार रन करते रहते हैं वो कहते हैं पहले इतनी थी अब इतनी थी अब इतनी हो गई है फिर चेंज हो रही है एक्यूरेसी चेंज हो ही जा रही है सो so वो ये रीज़न होती है ठीक है ये टिप्स होती हैं जो आपको मिलने वाली हैं अब रैंडम स्टेट मैंने फोर्टी टू यहाँ पे करके इसको रन कर दिया और ये फोर्टी टू रैंडम स्टेट क्यों रखते हैं ज़्यादातर लोग दैट इज योर क्वेश्चन और आपने इसका आंसर ढूंढना है बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो फोर्टी टू को यहाँ पे रैंडम स्टेट रखते हैं ठीक है एक तो ये चीज़ होगी ठीक है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के अंदर आपने ये काम कर लिया अब हम आगे आगे और भी देखेंगे कि हम किस तरीके से चीज़ों को मेंटेन्ड वे में लेके चलते हैं और किस तरीके से स्पोर्ट वैक्टर मशीन हमें हेल्प आउट कर सकती है यहाँ तक स्पोर्ट वैक्टर मशीन को हम खत्म करते हैं हमने कोडिंग कर ली हमने देख लिया किस तरीके से स्पोर्ट वैक्टर मशीन अप्लाई होती है हम मैथमेटिकल बैकग्राउंड सभी का इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे बट फॉर नाउ वी आर जस्ट गेटिंग थ्रू द मशीन लर्निंग टास्क और मशीन लर्निंग को हम एडवांस लेवल पर देख रहे हैं कि किस तरीके से हर एक फैक्टर मैटर करता है इन स्पोर्ट वैक्टर मशीन आई नो मैथमेटिक्स भी है इसके अंदर और वो मैथमेटिक्स हम जरूर पढ़ेंगे बट पहले मैं आपको आशना करवा दूँ कि कितने किस्म के हमारे पास एल्गोरिथम है और कैसे कैसे वो चलते हैं यहाँ तक क्लियर हो गया सबको पक्की बात है दैट्स गुड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप कर दें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होता तो प्लीज़ अब कर दें और इस लेक्चर को दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा